जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सपर्ट में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र जो आपका ईओ और आर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से एक से दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे इसके अलावा आर है या फिर राजस्थान एस जो है इन सब में एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला समाचार पत्र है वो है मजहरुल सरूर ये कब स्टार्ट किया गया था 1849 में भरतपुर से इसका प्रकाशन हुआ था ठीक है और जो भरतपुर के शासक थे उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था और ये जो समाचार पत्र था ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में था ठीक है और राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला जो समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा था तो कौन सा है मजहरुल मारवाड़ गजट मारवाड़ गजट की जो शुरुआत है वो हुई थी 1866 में 1866 में और कहाँ से हुई थी जोधपुर से इसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे तो वो थे बाबू हीरालाल। कौन थे बाबू हीरालाल। और ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ था तो ये हुआ था महाराजा तकत सिंह के ठीक है जो महाराजा तकत सिंह थे उनके शासनकाल में ये समाचार पत्र है जो स्टार्ट हुआ था अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से महाराजा तकत सिंह के काल में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था तो उसका जवाब क्या होगा मारवाड़ गजट नेक्स्ट है सज्जन कीर्ति सुधारक ये एक साप्ताहिक पत्र था ठीक है कौन सा था साप्ताहिक पत्र सज्जन कीर्ति सुधारक 1879 में स्टार्ट हुआ था कहाँ से उदयपुर से और इसका जो प्रकाशन है वो कौन करते थे तो वो करते थे महाराणा सज्जन सिंह ठीक है महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था और ये हिंदी पत्र था ठीक है कैसा समाचार पत्र था हिंदी भाषा का और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे उनसे प्रेरणा लेकर यह समाचार पत्र शुरू किया गया था नेक्स्ट है देश हितेशी देश हितेशी कब शुरू हुआ था अठारह में अजमेर से ठीक है और इसका जो प्रकाशन है वो कौन करते थे तो वो करते थे मुंशी मुन्नालाल शर्मा ठीक है मुंशी मुन्नालाल शर्मा प्रकाशन करते थे देश हितेशी समाचार पत्र का जो अठारह में अजमेर से शुरू हुआ था नेक्स्ट है राजपुताना गजट ये भी साप्ताहिक पत्र था ठीक है अठारह में शुरुआत हुई थी अजमेर से और जो मौलवी मुराद अली थे इनके द्वारा ये शुरू किया गया था उर्दू में कौन सी लैंग्वेज में था ये उर्दू में नेक्स्ट है हेराल्ड और ये जो न्यूज़पेपर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं राजपुताना हेराल्ड ये शुरू हुआ था अठारह में अजमेर से और इसका प्रकाशन कौन करते थे तो वो करते थे हनुमान सिंह कौन करते थे हनुमान सिंह अब इसके बारे में खास बात क्या है तो वो ये है कि लोक चेतना की जो धारा थी ये उसका पहला समाचार पत्र था अब इसी को क्वेश्चन बना के आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि लोक चेतना की धारा का पहला समाचार पत्र कौन सा था जवाब क्या होगा राजपुताना हेराल्ड नेक्स्ट है राजस्थान पत्रिका यह कब शुरू हुई थी अठारह में अजमेर से और इसका प्रकाशन कौन करते थे बक्सी लक्ष्मण ठीक है बक्सी लक्ष्मण दास जी जो थे वो इसका प्रकाशन करते थे नेक्स्ट है राजस्थान समाचार ये कब स्टार्ट हुआ था तो यह हुआ था 1889 में अजमेर से और जो समर्थ दान चारण थे इनके द्वारा शुरू किया गया था हिंदी में ठीक है किनके द्वारा शुरू किया गया था समर्थ दान के द्वारा 1889 में नेक्स्ट सर्वहित इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं सर्वहित ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है 1890 में शुरू हुआ था ये 1890 में बूंदी से और इसका प्रकाशन कौन करते थे तो वो करते थे पंडित रामप्रसाद शर्मा पहला हिंदी दैनिक समाचार ये पहला हिंदी दैनिक समाचार था जो डेली समाचार पत्र आता है वो था ये पहला इसका नाम क्या था सरोहित और पहला समाचार पत्र जिस पर मुद्रण संख्या अंकित थी इस समाचार पत्र के ऊपर जो इसकी मुद्रण संख्या है वो अंकित की जाती थी अब आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिसके ऊपर मुद्रण संख्या अंकित की जाती थी तो उसका जवाब क्या होगा सर्वहित नेक्स्ट है राजस्थान टाइम्स ये कहां से प्रकाशित होता था जयपुर से और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था वासुदेव शर्मा के द्वारा नेक्स्ट है राजस्थान केसरी यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है राजस्थान केसरी यह साप्ताहिक पत्र था कैसा था साप्ताहिक 1919 में शुरू हुआ था लेकिन जो एन है वो इसको मानती है 1920 में ठीक है तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप जो राजस्थान का इतिहास है उसको सही मानते हैं या एन को सही मानते हैं तो एन मानती है 1920 में और जो राजस्थान का इतिहास है उसके अकॉर्डिंग 1919 में वर्धा से शुरू हुआ था कहाँ से हुआ था वर्धा से और एन में एक फैक्ट ये भी है कि इसका जो प्रकाशन है वो शुरू वर्धा से हुआ था लेकिन बाद में ये अजमेर से इसका प्रकाशन होना स्टार्ट हो गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसके लिए जो आर्थिक सहयोग था वो कौन देते थे जमनालाल बजाज तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान केसरी जो साप्ताहिक पत्र था उसके लिए आर्थिक सहयोग कौन देते थे तो वो देते थे जमनाला बजाज देशी राज्यों की प्रजा का पहला मुख्य पत्र था ये नेक्स्ट है तरुण राजस्थान ये 1920 भी मिलता है और 1922 भी तो एग्जाम में अगर 1920 है तो आपको 1920 करना है और अगर एग्जाम में 1922 है तो आपको 1922 करना है और ये कहाँ से शुरू हुआ था ब्यावर से और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था तो किया जाता था ये शोभालाल गुप्ता और रामनारायण चौधरी के द्वारा नेक्स्ट है नवीन राजस्थान इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ 1922. बाईस में और कहाँ से अजमेर से विजय सिंह पथिक और जो राजस्थान सेवा संघ है इसके द्वारा तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन समाचार पत्रों में से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था तो उसका जवाब क्या होगा नवीन राजस्थान संपादक कौन थे इसके किशोर सिंह वर्मा और 1923 में ये बंद हो गया था एक साल बाद 1922 में शुरू हुआ था और 1923 में बंद हो गया था और बंद होने का इसका कारण क्या था तो ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये अपने समाचार पत्र में छापते थे इस वजह से इसको बंद कर दिया गया था नेक्स्ट है राजस्थान ये शुरू हुआ था 1923 में ब्यावर से और इसके संपादक कौन थे ऋषि दत्त मेहता कौन थे ऋषि दत्त मेहता नेक्स्ट है आर्य मारतंड और ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है आर्य मारतंड के बारे में तो ये 1923 में स्टार्ट हुआ था अजमेर से और ये किस लिए फेमस हुआ था तो ये हुआ था विधवा विवाह की जो जन जागृति थी उसके लिए इस समाचार पत्र के द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाता था जन जागृति के लिए ये समाचार पत्र निकाला जाता था नेक्स्ट है यंग राजस्थान ये भी एक साप्ताहिक पत्र है 1929 में स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा रामनारायण चौधरी के द्वारा और ये अंग्रेजी पत्र था ठीक है इसको आप याद रखना अच्छे से ये अंग्रेजी पत्र था इसका नाम क्या था यंग राजस्थान इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक अंग्रेजी पत्र है नेक्स्ट है त्याग भूमि ये उन्नीस में शुरू हुआ था किसके द्वारा शुरू किया गया था हरी उपाध्याय के द्वारा और ये राजनीति और जो साहित्य है उसकी पत्रिका थी अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन समाचार पत्रों में से राजनीति और साहित्य की पत्रिका कौन सी थी तो वो थी त्याग भूमि में शुरू हुई थी उपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था नेक्स्ट है सेवक ये एक हस्तलिखित पत्र था ठीक है कैसा समाचार पत्र था ये हस्तलिखित उन्नीस सौ में ये स्टार्ट हुआ था गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था नेक्स्ट है आगे बाण यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आगी बाण जो समाचार पत्र है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1932 में शुरू हुआ था ब्यावर से कहाँ से ब्यावर से 1932 में जय में जयनारायण व्यास के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनैतिक पत्र था ये अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पत्र कौन सा था तो उसका जवाब क्या होगा आगी बाण और राजस्थानी का पहला पाक्षिक पत्र भी यही था तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप इसको बहुत अच्छे से याद नेक्स्ट है प्रताप ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रताप 1910 में शुरू हुआ था कानपुर से कहा से कानपुर से और किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था इसका तो वो किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी को और इसके लिए जो स्पेशल फैक्ट है वो क्या है जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसको राष्ट्रीय स्तर पर इसने प्रसिद्धि दिलाई थी अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर इनमें से किस समाचार पत्र ने प्रसिद्धि दिलवाई थी तो उसका जवाब क्या होगा प्रताप नेक्स्ट है ज्ञानोदय ज्ञानोदय ये एक मासिक पत्रिका थी ठीक है उन्नीस में शुरू हुई थी कलकत्ता से और इसका प्रकाशन कौन करते थे तो वो थी कोमल कोठारी ठीक है कोमल कोठारी के द्वारा उन्नीस में कलकत्ता से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था नेक्स्ट है राजस्थान पत्रिका उन्नीस में स्टार्ट हुई थी जयपुर से और प्रकाशन कौन करते थे इसका कर्पूर चंद्र कुलिस कौन करते थे कर्पूर चंद्र कुलिस उन्नीस में स्टार्ट हुआ है ये जयपुर से तो ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे उनकी एक लिस्ट थी आप इसको अच्छे से याद रखें और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जाके राजनीति एक्सपर्ट सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम टाइम में इसको फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए आपके इससे संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो हमें कमेंट करके बताइए आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का धन्यवाद